नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट न्यूज। खबर कैमूर से है। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मसुहारी गांव की काजल कुमारी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको भी प्यार से भरोसा उठ जाएगा। जी हां, काजल कुमारी फेसबुक चलाती थी। फेसबुक पर ही रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के एक लड़के अशोक से बातचीत होने लगी। बातचीत प्यार में बदल गई। दोनों समय निकालकर मिलने जुलने लगे। फिर दोनों ने शादी करने की ठानी। इसी बीच अशोक ने मौके का फायदा उठाते हुए काजल के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। जब काजल ने शादी के लिए अशोक पर दबाव डाला तो अशोक शादी से मुकर गया और बात करना भी बंद कर दिया। अगस्त 2019 में दोनों के बीच फेसबुक में दोस्ती हुई थी। पिछले 3 महीनों से अशोक काजल से शादी के बात कहने के बाद से ही बातचीत करना बंद कर दिया था। काजल ने मामला पुलिस में दर्ज कराया तो पुलिस आरोपी को पकड़कर महिला थाने ले आई और दोनों परिवारों की सहमति से महिला थाना में ही स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में परिवार वालों और पुलिस की मौजूदगी में शादी कराई। फेसबुक से ये हुआ कि मतलब कि हम फेसबुक चलाते थे, ठीक है, मतलब फ़ोटो वगैरह कभी पोस्ट नहीं करते हम अपना, तो इनका फ़ोटो आया तो इनके फ़ोटो पे एक बार कॉल चला गया, तो वही इनसे हम बोले कि तो बात करेंगे, तो ये बोले कि हाँ बात करेंगे। वैसे स्टार्ट हो गया फिर मिलने जुलने लगे। कितना दिन प्यार चला फेसबुक से? बहुत दिन चला, फिर 2-3 महीना से बस ये बोलना है कि नहीं करेंगे। मतलब कितना साल पहले से फेसबुक? अगस्त से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, मिलने जुलने लगे, फिर ये बार बार मेरे पास आने लगे और हर कुछ करके फिर बोले कि शादी नहीं करेंगे। इनका परिवार कह रहा है कि आप जाती थी इनके? मैं इनके घर नहीं जाती थी। अच्छा, ठीक, ये मेरे घर, हमारे घर नहीं, मार्केट में मिलने आते थे। उसके बाद शादी की नहीं करने के लिए कह रहे थे थाना का साधा? हाँ, मैं आवेदन लिखवाइए कह रहे थे, इतने दिन से बोले थे कि करेंगे और फिर इसके बाद बोले कि हम नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? थाने में शादी हुआ है तो अब कैसा आपको लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। किसको धन्यवाद देंगे? पुलिस को? हाँ, ऑफ कोर्स देंगे। किसको? पुलिस को, थाना को। अभी आपका शादी कौन थाना के अंदर हो रहा है? महिला थाना के अंदर। कहाँ? भभुआ में। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। कहाँ घर है? मोहुआरी, रामगढ़ थाने में। बताइए कैसे प्रेम शादी में कैसे बदला? कैसे और शादी आज थाने में हो रहा है, कैसे, कहाँ से शुरुआत की है? कंडक्ट हुआ था। कब हुआ था? कितना दिन पहले? पिछला जो अगस्त उसी अगस्त में हुआ। उसके बाद? उसके बाद ये खुद हम पे कॉल की थी, बोले थे कि हम आपको चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं। हाँ, ठीक है, हम फोटो देंगे तो बातचीत करेंगे, चाहे जो भी। उसकी वजह से बुलाई थी हमको मिलने के लिए, हम रामगढ़ गए थे मिलने के लिए। तो उसके बाद शादी करने की बात कहे थे आप पहले से? शादी के लिए नहीं बोले थे। हाँ, उसके बाद बात के लिए बोले थे, मैंने सिर्फ तैयार करने के लिए बोले थे। अच्छा, अब शादी हो रहा है तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया सर। खुश है ना? खुश है ना? ठीक है, पत्नी को पाकर खुश है ना? खुश है कि फेसबुक से मिली लड़की आज पत्नी हो गई, ठीक है। अच्छा, एक बात और हमको बताइए कि अभी आपका शादी कहाँ पे हो रहा है और कहाँ क्या रहने वाले हैं? हमारा घर कोचा थाना में पड़ेगा, रोहतास जिला। भगवा कैसे पहुँचे आप? यही पढ़ा कर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते थे? कौन क्लास में पढ़ते थे आप? वहाँ पर ग्रेजुएशन चल रहा है। अभी आप लोग का शादी कहाँ पे हो रहा है, कौन जगह? भगवा महिला थाना। महिला थाना में। पुलिस क्या बोला आपसे? वही शादी करने के लिए बोले। शादी? क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। एक लड़की आरोप लगाई थी लड़के पर कि उसके साथ शादी का झांसा दे करके कुछ गलत संबंध बनाया, फिर दोनों पक्ष राजी हुए और वो लोग आपस में शादी ब्याह के लिए। किस थाने का मामला है सर? ये महिला थाने का मामला है, लड़का लड़की दोनों बालिग और दोनों सहमति शादी ब्याह के लिए, कोई बात नहीं।